हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज के हम इस नए वीडियो में जानेंगे कि जेड प्लांट की जो बॉन्साई होती है उसकी केयरिंग कैसे करें, खास करके विंटर में। जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ये जनवरी आने वाला है एंड दिसंबर एंड होने वाला है, तो इस बीच काफ़ी सर्दियाँ पड़ती हैं। तो आपके पास अगर जेड बॉन्साई है, अगर आप जेड प्लांट की बॉन्साई बना रहे हैं, तो इसकी केयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बातों का ख्याल रखें, अगर आप जेड बॉन्साई आपके पास है तो उसकी केयरिंग कैसे करोगे जिससे आपकी जेड बॉन्साई ख़राब ना हो। गाइज, एक बात जान लें, जो ये जेड की प्लांट जो होती है वो सकलेंट कैटेगरी में आता है और काफ़ी फ्लैशी वुड होता है, तो इसके ख़राब होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होती हैं। तो ख़राब क्यों होगा? क्योंकि आप ज़्यादा पानी डालोगे, अदरवाइज़ ये ख़राब नहीं होता। बहुत ही लंबा चलने वाला प्लांट है और ये डेजर्ट में ज़्यादा रहता है। जैसा कि डेजर्ट में ज़्यादा रहता है, तो इस मीन्स इसमें पानी बहुत ही कम आपको डालना चाहिए, ठीक है। तो विंटर में आपको जेड बॉन्साई को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, वाटरिंग को कंट्रोल में रखें, बहुत ही लिमिटेड पानी डालें, ज़्यादा ना डालें, लगभग लगभग 1 वीक का गैप रखें। अगर आप बॉन्साई बना रहे हैं, और हमारे लास्ट वीडियोस को अगर आपने देखा है तब मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट वीडियोस को आप देख लें। जेड बॉन्साई के लिए जो बेहतरीन बेस्ट सॉइल है, जो उसका मीडिया है जिसके अंदर आप प्लांट जेड की प्लांट को लगाते हो, मिट्टी जो उसकी है, उसकी तैयार कैसे करें, उसकी वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर आपके पास वैसे ही मिट्टी है तो बहुत ही मतलब कम दिनों में पानी आप डाल सकते हैं, आपका प्लांट ख़राब नहीं हुआ है। फिर भी 7 दिनों का गैप ज़रूर रखें, हर संडे को आप पानी डालें, बट पानी भी डालें तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, बहुत ही कम डालें जिससे ऊपर की सतह बस भीग जाए, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी उसको मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए उसके जड़ों को, ठीक है। तो गाइस, कुछ ऐसी ही टिप्स हैं जो आपके जेड बॉन्साई को मतलब ये इन विंटर सीजन में ख़राब होने से बचा सकती हैं। प्लस कुछ बातों का और ध्यान रखें, आप अपने जेड बॉन्साई को बिल्कुल भी शेडी एरिया में ना रखें विंटर के दिनों में। सर्दियों में इसको बिल्कुल ओपन जगह पे रखें जहाँ पे अच्छी खासी धूप मिलती हो। हालांकि वैसे तो विंटर में धूप कम ही आती है, फिर भी अगर आप बाहर रखते हैं तो इसको कुछ धूप मिल जाएगी और आपका जो प्लांट है इसके सड़ने, इसके रूट्स रॉट जो होते हैं, जो जड़ होती है, उनके सड़ने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगी। तो गाइस, कुछ ये टिप्स थी आपके जेड बॉन्साई को बचाने को लेकर के, ठीक है। एंड बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सी यू अगेन।